आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा आज का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक अरेंजमेंट गिवन है और इस अरेंजमेंट में कुछ नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं और स्पेशल सिंबल्स हैं। साथ में इस क्वेश्चन में हमें स्टेप्स गिवन है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, और एक नोट गिवन है। पहले हम नोट रीड कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि स्टेप 2 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1, मतलब कि स्टेप 2 को हम तभी सॉल्व करेंगे, पहले हमें स्टेप 1 को सॉल्व करना होगा। एंड स्टेप 3 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप नंबर 2, मतलब कि स्टेप 3 तभी एप्लीकेबल होगा जब हम स्टेप नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इट मीन्स सिंपल लॉजिक है, दैट इज पहले हमें स्टेप 1 को ही सॉल्व करना है, देन स्टेप 2 को, देन स्टेप नंबर 3 को। उसके बाद हमारा क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट्स इन स्टेप नंबर 3, मतलब जो हमारा रिजल्ट होगा वो स्टेप 3 में ही है। पहले 1 को सॉल्व करेंगे, उससे 2 बनेगा, 2 से 3 बनेगा, उस 3 के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन 1 इज 1, ऑप्शन 2 इज 2, ऑप्शन 3 इज 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 4। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो अरेंजमेंट गिवन है, हम उस अरेंजमेंट को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज डॉलर साइन F3 6 N @8 9 K T Q 5 C % D sorry 8 then D #7 D * (*7 D)*(#4 W and L। अब देखिए इसमें क्या है, हमें ये तो हमें एक इनपुट है, मतलब कि ये हमें क्वेश्चन अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने स्टेप नंबर 1 को पहले सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 में हमें क्या कहा गया है, स्टेप 1 में कहा गया है द नंबर्स। अब सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान दीजिए नंबर्स, तो यानी कि इस अरेंजमेंट में, ये जो हमारा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में हमने क्या करना है, नंबर्स पे ध्यान देना है। अब नंबर्स का क्या है, दैट इज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, मतलब कि वो वाले नंबर्स जो कि किसी स्पेशल सिंबल के इमीडिएटली बाद में आ रहे हैं एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट, मतलब और उन नंबर्स के बाद क्या आ रहा है, अल्फाबेट्स आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम अरेंजमेंट बनाएंगे। दैट इज देखिए सबसे पहले क्या है, डॉलर साइन, फिर है एफ। अब देखिए ये जो नंबर है, इस नंबर के इधर क्या है, अल्फाबेट है, बट हमें कोई स्पेशल सिंबल चाहिए और इधर क्या चाहिए, अल्फाबेट चाहिए, मतलब इस नंबर के ना इधर कुछ है ऐसा है जो स्टेप वन में हमें कहा गया है, तो ये एज इट इज हम लिख देंगे। अब इसके बाद है एन, देन ये जो हमारा नंबर है, नंबर पे ध्यान देना है हमने, तो नंबर जो है 9 के इधर क्या है, स्पेशल सिंबल है, यस, एंड इधर क्या है, के गिवन है, मतलब कि अल्फाबेट है। तो जो हमें स्टेप नंबर 1 में कहा गया है वो क्या है, नंबर 9। इस 9 को अभी हम क्या करेंगे, इस नंबर 9 को हम अलग लिख लेंगे, तो हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 9। इसके बाद हमें @ देन K T Q, अब ये जो 5 है, इस 5 के इधर क्या है, अल्फाबेट है, बट हमें स्पेशल सिंबल चाहिए, तो ये भी नहीं है, इट मीन्स 5 एज इट इज लिख देंगे। C % 8, अब देखिए यहाँ पे ये जो हमें 8 गिवन है, इस 8 के क्या है, इधर स्पेशल सिंबल गिवन है, यस, और इधर क्या है, अल्फाबेट गिवन है, मतलब कि हमारी ये स्टेप नंबर 1 की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो यानी कि परसेंटेज और 8 को हम क्या करेंगे, अभी हम लास्ट में लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। एंड फिर उसके बाद क्या रहा है, B #7 7 के इधर क्या है, हैश है, स्पेशल सिंबल है, और इधर क्या है, अल्फाबेट है, इट मींस ये भी फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन को, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे। एंड D * (#H), अब देखिए ये जो 4 है, 4 के इधर क्या है, अल्फाबेट है, और इधर भी अल्फाबेट है, मतलब ये भी, ये नहीं है, तो इसको हम जैसे है वैसे ही लिख देंगे। अब इसमें क्या कहा गया है, आर अरेंज्ड, जो भी हमारे अल्फाबेट, ये जो नंबर्स हमें मिले हैं, इन नंबर्स को, जो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इनको हमने कहाँ लिखना है, इन द एंड ऑन द सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज्ड इमीडिएट आफ्टर एल। अब देखिए जो हमारी सीरीज एंड हो रही है वो कहाँ हो रही है, इस एल पे एंड हो रही है, और इसके बाद ही हमने ये सारे नंबर्स को लिखना है, बट इसको हम लिखेंगे सीरीज में, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में,
इट मीन्स 7, 8, 9 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बाद 7, 8 एंड 9। तो ये हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो सॉल्व हो गया। नाउ अब है हमारा नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 2 में हमें क्या कहा गया है, स्टेप 2 में हमें कहा गया है कि द ओड नंबर्स। अब देखिए हमने कहाँ पे ध्यान देना है, ओड नंबर्स पे। इस सीरीज में हमारे पास नंबर काफी हैं, ओड नंबर्स बहुत हैं, 3 है, 5 है, यहाँ पे फिर आगे जाएं तो 7 है। तो 3 नंबर ऐसे हैं जो ओड नंबर्स हैं, 9 भी है, 4 नंबर्स ऐसे हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, द ओड नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन अल्फाबेट इंटरचेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अल्फाबेट जस्ट बिफोर इट। अब वो वाले ओड नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं जिनके इमीडिएटली पहले अल्फाबेट्स हैं। तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले है डॉलर साइन, फिर एफ, ये है हमारा ओड नंबर दैट इज 3। 3 के इमीडिएटली इधर क्या है, एफ साइन, एफ है, अल्फाबेट है। इट मीन्स इसको हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे एज अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर 2। तो 3 एफ, फिर 6 एन, 6 जो है इवन नंबर है इसको नहीं लिखेंगे, एन एट द रेट के टी। अब देखिए ये क्यू और 5 है, 5 क्या है, ओड नंबर है। इस ओड नंबर को हम क्या करेंगे, इस अल्फाबेट से इंटरचेंज कर देंगे। सो 5 क्यू, सी परसेंटेज, बी हैश, डी एस एस्ट्रिक साइन, एच 4 जो है ओड इवन नंबर है सो एज इट इज लिखेंगे, डब्ल्यू एल, 7 जो है हमारा क्या है, ओड नंबर है सो इसको हम, और इसके इधर क्या है, अल्फाबेट है, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे। इट मीन 7 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 7L 8। और 9 जो है ओड नंबर है बट इसके इधर क्या है, न्यूमेरिक है, तो ये एज इट इज ही हम लिख देंगे। तो ये जो है हमारा स्टेप नंबर 2 सॉल्व हो गया। नाउ इसके बाद अब हमें कहा गया है स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, स्टेप नंबर 3 में हमें कहा गया है द अल्फाबेट्स, मतलब जो स्टेप नंबर 2 में जो हमारी अरेंजमेंट है इसमें अब हमने कहाँ पे ध्यान देना है, अल्फाबेट्स पे। द अल्फाबेट्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। अब वो वाले अल्फाबेट्स हमने देखने हैं जो कि इमीडिएटली, जिनके बाद इमीडिएटली क्या आ रहा है, स्पेशल सिंबल्स आ रहे हैं। मतलब ए है तो ए के बाद मान लो परसेंटेज का साइन है तो हम उस ए को कंसिडर करेंगे। आर, अब उनके बाद क्या करना है, आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन। अब वो वाले अल्फाबेट्स हम पहले बाहर निकाल लेंगे और उनको हम कहाँ प्लेस कर देंगे, एच और फोर के बीच में। ये रहा एच और ये रहा फोर, इन दोनों के बीच में हमने वो वाले अल्फाबेट्स को अरेंज करना है जिनके इमीडिएटली बाद क्या आ रहे हैं, स्पेशल सिंबल्स आ रहे हैं। अब देखिए हमारे इस क्वेश्चन में कहाँ पे हम स्टेप नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। स्टेप 2 में सबसे पहले डॉलर साइन है वो लिख लेंगे हम, देन 3। अब देखिए जो ये एफ है, एफ के इधर भी न्यूमेरिक है, इधर भी न्यूमेरिक है, ये भी नहीं है। अब ये वाला अल्फाबेट दैट इज एन, एन के इधर क्या है, स्पेशल सिंबल है। इट मीन्स इस एन को हम बाहर निकाल लेंगे और एट द रेट के टी 5। अब यहाँ पे क्यू, अब इस सी के बाद क्या आ रहा है, स्पेशल सिंबल है, मतलब इस सी को भी हम बाहर निकाल लेंगे और परसेंटेज लिख देंगे। बी, बी के बाद स्पेशल सिंबल है तो बी को भी हम बाहर लिख लेंगे एंड हैश आ जाएगा यहाँ पर। डी, अब ये जो एस है, एस के बाद भी स्पेशल सिंबल है, इस एस को भी हम बाहर लिख लेंगे। एस्ट्रिक साइन, एच, फोर, डब्ल्यू, 7, एल, 8, 9। अब ये तो हमारा है स्टेप नंबर 3, अभी इनकम्प्लीट है बिकॉज क्योंकि अभी हमने ये वाले जो अल्फाबेट्स हमारे बाहर निकले हैं जो कि फॉलो कर रहे थे एन, मतलब स्पेशल सिंबल्स को, सो इनको अब हमने अरेंज कहाँ करना है, इस एच और फोर के बीच में बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब जिस फॉर्म में एबीसीडी होती है उस फॉर्म में। तो अब हमारा जो ये स्टेप नंबर 3 का फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा, दैट इज फाइनल स्टेप 3 दैट इज इक्वल्स टू डॉलर साइन 3 एफ 6 एट द रेट के टी 5 क्यू परसेंटेज हैश डी एस्ट्रिक साइन एच। अब एच और 4 के बीच में हमने इनको प्लेस करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दैट इज बी सी, फिर क्या आता है एन, देन एस, देन आफ्टर दैट फिर हमारा आएगा 4,
W7L89। तो ये अब हमारी जो स्टेप नंबर 3 है वो पूरा सॉल्व हो गया। अब देखिए जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमें कहा गया है कि हाउ मेनी सिंबल्स, अब हमने इस सीरीज में सिंबल्स पे ध्यान देना है, आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट्स इन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने देखना है कि ऐसे कौन से सिंबल्स हैं, सिंबल्स पे ध्यान देना है, कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जो कि कहां पे हैं, जिनके इमीडिएटली आफ्टर दैट क्या है, कुछ स्पेशल अल्फाबेट्स हैं। सो उनसे पहले अल्फाबेट्स हैं, सॉरी। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले कौन से ऐसे हैं सिंबल्स, ऐसे हैं, देखिए ये सिंबल है, इससे पहले कोई अल्फाबेट नहीं है, मीन्स ये एज इट इज हम लिख देंगे। 3 है, फिर एफ के इधर भी, मतलब इसके बाद भी कोई सिंबल नहीं है, तो ये भी एज इट इज आएगा एफ। 6 एट द रेट, के, टी, 5। अब देखिए ये जो क्यू है और ये सिंबल है, सिंबल के इमीडिएटली इधर क्या है, अल्फाबेट है, जो हमें कहा गया है इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट्स। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, यानी कि एक तो हमारे पास ये क्यू और परसेंटेज, एक ये हो गया, सेकेंड इज हैश डी एस्ट्रिक साइन एच बी। अब देखिए ये जो हमारा डी है, डी के इमीडिएटली बाद क्या है, स्पेशल सिंबल है, तो दूसरा क्या है, ये हो गया हमारे पास सी एन एस 4 डब्ल्यू 7 एल 8 9। मतलब ये स्टेप नंबर 3 में सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे सिंबल्स हैं जो कि अल्फाबेट के इमीडिएटली बाद आ रहे हैं। और हमारा जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि स्टेप 3 में ऐसे कौन से सिंबल्स हैं जो इमीडिएटली बाद अल्फाबेट्स के बाद आ रहे हैं, तो वो कितने हैं, 2 है। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।